हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले आईओसी शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो देख सकते हैं लगातार वीडियो अपलोड किया हूँ और यहाँ पे 2 मिनट पहले एक और वीडियो एसबीआई कार्ड की भी वीडियो अपलोड किया हूँ, तो ये भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो रेगुलर वे में आपके लिए वीडियो अपलोड हो रही है, इनफैक्ट शॉर्ट्स भी अपलोड हो रही है, जिसमें अपडेटेड टाइम मतलब जो करंट मार्केट सिचुएशन रहती है वो सारी वीडियो अपलोड होती है। तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार अपडेट में रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आईओसी शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 94 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है पुराने टाइम में, 2.51%। यहीं पे थोड़ा सा हम लोग निफ्टी 50 का भी बात करते हैं, तो निफ्टी 50 अभी के टाइम में ऑल टाइम हाई पे काइंड ऑफ बोले तो ऑल टाइम हाई हाई पे पहुंचने ही वाली है थोड़ी दिन में। यहाँ पे बात करें 90,991 आ चुकी है और इनफैक्ट जो तेजी जिस तरीके से हमें बनते हुए मार्केट में दिखी वो बहुत ही गजब की तेजी है। बीच में अच्छी खासी ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करते करते डाउन भी आई थी, बट यहाँ से जो तेजी देखने को मिला वो बहुत गजब की, बट यही पे निपात खत्म नहीं होती जब तक ये 20,000 का अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करती है, रेजिस्टेंस वहां पे ब्रेक नहीं करती है। उम्मीद मत रखिए कि ये और ऊपर जाएगी, वहां से एक अलग डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, तो यहाँ पे रीजन बहुत सारी रीजन है, ऐसा एक ही रीजन नहीं है। तो थोड़ा सा मैं 5 ईयर्स पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते इस पॉइंट पे भी पहुंची, फिर इस पॉइंट पे भी पहुंची, सेम फिर से डाउनफॉल देखने को मिला, इस पॉइंट पे भी पहुंच के फिर से डाउनफॉल देखने को मिला हमें यहाँ पे छोटा सा, फिर उसके बाद ब्रेक करते हुए दिखी और पहुंचने के बाद इसी तरीके से हमें फ्लो देखने को मिला है मार्केट में। अभी भी सेम तरीके से यहाँ का पैटर्न फिर से क्रिएट करते हुए दिख रही है, मे भी हो सके तो डाउन आते हुए दिख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, आप लोग को ध्यान रखना है, अब तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का बात हो गया, बट अब हम लोग बात करते हैं आईओसी के बारे में। तो अभी राइट नाउ 94 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, 1 ईयर पे बात करें तो बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव रही है, सॉरी 1 मंथ पे, 6 मंथ पे ध्यान दे तो गजब की तेजी देखने को मिल चुकी है, 19.14%, अच्छी खासी तेजी। 80 रुपीज के ट्रैक से मैं 80 रुपीज पे मैं इसको ट्रैक कर रहा था और उसके बाद से एक अच्छी तेजी देखने को मिली, इनफैक्ट मैंने भी बाइंग करवाई थी बहुत जगह, तो यहाँ पे अब एक अच्छा वर्क करते हुए दिख गई है हमें राइट नाउ आईओसी। अभी यहाँ पे बात करें इस पॉइंट पे भी इसमें उतना खास तो नहीं, बट हाँ 45.62 एक अच्छी खासी डिलीवरी होल्ड होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये खराब डिलीवरी, ऑफ कोर्स ये अच्छी डिलीवरी है, बट काइंड ऑफ मैं उतना अच्छा भी नहीं बोलूंगा, उतना ज्यादा प्रेफर भी नहीं करूंगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा ही अच्छी है। एक टाइम पे 101 पे ट्रेड कर रही थी ये शेयर्स और डिलीवरी उस टाइम पे भी इसमें कुछ आराम से उस टाइम 45 के अराउंड पे डिलीवरी आ रही थी, हाँ 45 के अराउंड डिलीवरी आ रही थी, बट अभी इस सिचुएशन में डिलीवरी इतनी कम पे उठ रही है, तो मतलब चांसेस पूरा बना रही है कि कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्ट कम होते हुए जा रहे हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें आईओसी के बारे में आगे की साइड, तो यहाँ पे 94 रुपीज पे तो ट्रेड करते हुए आप लोग बताई है, अगर आगे की साइड ध्यान दे तो यहाँ पे डिविडेंड प्रोवाइड करते हुए देखिए कितना, 3 रुपए का डिविडेंड, सबसे अच्छी बात लगती है गवर्नमेंट कंपनी की जिस तरीके से डिविडेंड प्रोवाइड करते हुए दिखती है। अब क्या अच्छी बात है इसमें दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे सबसे पहले आपका शेयर ट्रेड हो रहा है खुद आराम से आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा था उस टाइम के हिसाब से 96 ये सब के पॉइंट पे, आप अगर 80 रुपीज पे भी बाइंग उठाए हुए रहते या 76 पे भी बाइंग उठाए रहते तो आपको 3 रुपए की डिविडेंड, 3 रुपए की डिविडेंड मिलती है पर शेयर पे, 3 रुपए मिल रहा है और समझिए 100 रुपीज की है तब वो 3%, तो आपको 6% तो डिविडेंड मिल जा रहा है इनडायरेक्टली वे में अगर बात करें तो आपको अच्छा खासा मतलब उस हिसाब से अच्छी डिविडेंड एफडी से तो अच्छी डिविडेंट आपको देखने को मिल जाती है। सही टाइम पे अगर बाइंग लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट है कि इस बार गवर्नमेंट कंपनी जैसी नहीं रहेगी, ये मल्टी बैगर स्टॉक बने, और हाँ ऑफकोर्स बनेगी, क्यों नहीं, इंडियन कंपनी ऑफकोर्स अच्छा कर सकती है, और अभी मार्केट में जिस तरीके से फ्लो अपना इकोनॉमी जितना ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो उस हिसाब से तो लग रहा है गवर्नमेंट कंपनी अच्छा खासा बूम करेगी। बट हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि बाइंग किस पॉइंट पे लेना है, ऑफकोर्स हम लोग बोलते हैं अच्छा खासा बूम करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 पे बाइंग उठा ली और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाए, तो ऑफकोर्स डाउन आते हुए दिखेगी। मैटर ये करता है कि आपको ये समझना है कि कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे बाइंग उठाने। देखिए जैसे अभी यहाँ पे लोग दिमाग लगाए, उनके बहुत कई इस पे दिमाग लगाए कि कहाँ पे इस पॉइंट पे उनको बाइंग उठाना चाहिए,
क्यों इस पॉइंट पे अब बताता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लो हमें मार्केट में बनते हुए दिखा। यहाँ पे अच्छी खासी डाउन आते हुए दिखी, कितनी 89 रुपीस पे। सबको पता है कि 89 तक आई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना रेसिस्टेंस बना के सॉरी अपना अपना स्टॉप लॉस बना के रखेंगे, 87-85 पे अपना स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बना के रखे होंगे, और यहाँ से तेजी बनते हुए फिर से दिख गया। ये सबसे बेस्ट चीज है और यहाँ से रिकवरी बनते हुए दिखा है, और 89 का रिकवरी अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो जस्ट वेट, यहाँ से कुछ ज्यादा ही अच्छे से हो जाते हैं। तो हम लोग 89 पे और परसेंटेज 5.50%, क्या ही बात है। मतलब आराम से आप कुछ ही दिन क्या मेरा कहने का क्या मतलब है, 1 सितंबर से 10 डेज में आप 5% का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं इक्विटी में, कितनी ही अच्छी बात है। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं बनती, आप आराम से प्रॉफिट गेन कर सकते हो मार्केट में। ये आपको क्लीन एंड क्लियर अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि प्रॉफिट गेन करने में आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब आगे के साइड थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीवरी होल्डिंग्स और बाकी न्यूज के साइड में, तो मुझे मनी कंट्रोल में यही चीज अच्छा लगता है। ये कोई प्रमोटिंग करने वाली, मतलब मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि मेरे परसेप्शन से ये मुझे बहुत सही लगता है कि जहाँ पे ऑल ओवर डिटेल मिल जाती है। 100% बाइंग बोला गया है, ऑफकोर्स आप बाई कर सकते हैं, बट हर टाइम मैं नहीं बोलूंगा कि इसके रिकमेंडेशन के थ्रू चलिए, अपने से भी एक बार एनालाइज करना बहुत जरूरी है मार्केट। अब आगे फर्दर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नेट प्रॉफिट सबकी बात करें, रेवेन्यू तो अच्छी खासी मेंटेन करते हुए दिखी है, नेट प्रॉफिट में कमी होते हुए दिखी, इसलिए मैं बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि अब क्या होता है कि जोर जोर में वो भी बाइंग हो रहा है, वो शेयर ऊपर जा रहा है, हम लगा लेते और जिस दिन गिरता है उस दिन रोला देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी इतना क्रेजी होके नहीं करना, हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है ट्रेड मार्केट में। किसी को भी डाउट हो तो इसलिए बोल रहा हूँ, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे होल्डिंग्स, प्रमोटर होल्डिंग्स देख सकते हैं लगातार सेम तरीके की, गवर्नमेंट कंपनी है यार, अपना कंपनी तो छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम से तेजी बनते हुए दिखा है, यहाँ पे हमें एक अच्छी बात है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साइड बताते हैं तो रेगुलर फॉर्म बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का डाउन आते हुए दिखा, बट कुछ पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। रिटेल इन्वेस्टर तो हमेशा अप एंड डाउन में ही रहते हैं, पहले बहुत ही ज्यादा थे, अब बिल्कुल ही कम है, तो आपको वरीड नहीं रहना, बट ऐसा नहीं है कि आप बाइंग नहीं कर सकते। और भी सारी स्टॉक्स है जिसमें बहुत अच्छा तेजी बनते हुए दिखा, अगर सेफ प्ले डिविडेंड से प्यार है तो आराम से इस स्टॉक में मूव कर जाइए, एफडी से तो अच्छा रिटर्न देते हुए दिखेगी, बट हाँ यू शुड नो व्हेन इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट, सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोग मूव कर जाते हैं और सारी, तो यहाँ पे और सारी इसके कंपनी के रिलेटेड तो क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग BPCL, HPCL और यहाँ पे MRPL, इनफैक्ट ये शेयर्स के बारे में मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, तो ये सारी शेयर्स आपको बाकी सारे कॉम्पिटिशन में देखने को मिले। क्वार्टरली रिजल्ट में एक अच्छा तेजी बनते हुए दिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो PBT यहाँ पे 90,450 बनते हुए दिखी है, एक टाइम पे ये माइनस में चली गई थी और माइनस में जब गई थी तो यहाँ पे चेंजेस पूरा होते हुए दिखा था। तो देख सकते हैं सितंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, और यहीं पे अगर मैं 1 ईयर पे आ जाता हूँ तो 1 ईयर पे आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज्यादा डाउन आ चुकी थी, और एक अच्छा चांस था हमारा बाइंग उठाने का इस शेयर पे। अब फर्दर आगे की सारी बात करें, नेट प्रॉफिट अभी के टाइम में 14,700 यहाँ पे, अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखी, रेगुलर वे में हमें बढ़ते हुए दिख रही है मार्केट में, और नेट प्रॉफिट के साइड डायरेक्टली मूव कर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 25 अच्छा खासा बनते हुए दिख रहा है। और एसेट्स आपको बताइए, टोटल लायबिलिटी ये सब मैटर करती है, सबसे ज्यादा नेट कैश फ्लो की बात करें तो -180 है, तो ये चीज पे भी ध्यान देना लायक है। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात वहीं पे मैंने कर लिया था मनी कंट्रोल की वेबसाइट से, दैट्स ऑल यही है इस शेयर्स के बारे में। और कुछ भी डाउट होता मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा चैनल है जो आपका चैनल है, जो आपके लिए वीडियो बना रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं, और शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड कोलीग सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो कि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर बाइंग करने जा रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है। और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई शेयर पे पर्सनली वीडियो भी बनवाना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस शेयर पे वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऑफकोर्स मैं खुश होऊंगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग एंगेज हो रहे हैं मेरे चैनल पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को बाइंग, आप लोग इस शेयर से बाइंग किया और कुछ डाउट है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। लिंक मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इनफैक्ट
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, वहां पे भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी मुझे जाके अप्रोच कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो क्लीन एंड क्लियर मेरे से पूछ सकते हैं। और जिन किन्हों को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी अपस्टॉक्स में जिसमें नामात के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।